समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल का सोमवार को बेतिया हाता स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल द्वारा यूथ फ्रंटल की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, जियाउल इस्लाम, अखिलेश यादव, मिर्जा कदीर बेग, मुन्नीलाल यादव, मनोज यादव, मैना भाई, राहुल यादव, अजय यादव सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल ने कहा, आज पहले युवाओं से संवाद स्थापित होगा, फिर संगठन विस्तार के लिए जो जमीनी नौजवान होंगे, जो समर्पित कार्यकर्ता होंगे समाजवादी पार्टी, उनको संगठन से जोड़ करके संगठन का विस्तार किया जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां, उसको भी बताने का काम होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने विजन और विकास के काम किए हैं, उसको भी लोगों को अवगत कराने का काम होगा चौपाल के माध्यम से।